गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ने आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है एक एक्सपीरियंस शेयर करने का, सो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस इन द ब्रीफ। लास्ट ईयर मैं चंडीगढ़ से दिल्ली गया था फॉर सम ऑफिशियल असाइनमेंट, तो मेरे पास टाइम काफी था, तो मैंने शाम को सोचा कि चलो मैं बड़े मंदिर जा आता हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद लेके आता हूँ। तो मेरे को आई वॉज श्योर कि बड़ा मंदिर बंद था क्योंकि दर्शन ई पास से होते थे उन दिनों में लास्ट ईयर, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एज गुरु जी ने बोला हुआ है कि आप मंदिर के पास से भी आ जाते हो तो मेरी ब्लेसिंग्स पूरी मिलती हैं, तो मैंने कहा चलो बाहर से मत्था टेक लेते हैं। तो जैसे ही मैं बड़े मंदिर वहां पहुंचा तो बाहर गेट के पास सेवादार थे, मेरे को आई वॉज वेरी श्योर कि बंद है, फिर भी मैंने उनको बोला अंकल मेरे को पता है कि ई पास के बिना एंट्री अलाउड नहीं है और आज दर्शन नहीं है, फिर भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज लेट मी गो। तो उन्होंने बोला सॉरी अंकल बिल्कुल भी आज्ञा नहीं है, आप यहीं से ही दर्शन कर लीजिए। तो मैं गेट के पास खड़ा हो गया मेन गेट में, तो सामने गणेश भगवान के थोड़े दर्शन हुए, तो फिर भी मैं वहां काफी देर खड़ा रहा, मंत्र जाप चलता रहा, मैंने कहा यहीं से दर्शन करता हूँ। तो काफी देर जब मंत्र जाप वगैरह खत्म हो गया तो अंदर से एक आंटी आए, मेरे को उनका नाम नहीं पता, मे बी सुधा आंटी होंगे या कौन है। तो वो जैसे ही आंटी बाहर आए तो उन्होंने आते ही मेरे को एक रोज फ्लावर दिया, रोज फ्लावर का प्रसाद दिया, तो मैंने लिया वो। तो वो आंटी थोड़ी देर आगे चले गए तो ये अंकल मेरे को बोलते अंकल आप तो बहुत ब्लेस हो गए, आपको इन आंटी के हाथ से प्रसाद मिला। तो मेरे मन में भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई जानने के लिए कोई आंटी स्पेशल ही होंगे जिनको ये बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा उन आंटी के पीछे चला गया। जय गुरु जी, मैंने बोला आंटी कहते जय गुरु जी। आंटी ने एकदम बोला आंटी कहते मेरे को नहीं पता मैं कैसे फ्लावर लेके आई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, पता नहीं कैसे हुआ मैंने आपको दे दिया। उसके बाद आंटी चले गए, कोई बात नहीं हुई। ये अंकल फिर मेरे को बोलते कि अंकल आप बड़े ब्लेस हो, आपको इन आंटी के हाथ से प्रसाद मिला है। फिर मैंने पूछा कौन आंटी है, कहते कोई बात नहीं अंकल रहने दो, बस नाम नहीं बताते। ठीक है जी, मैंने वहां पे मत्था टेका बाहर से ही, फिर मैं अपना चला गया। तो जैसे ही वहां के मेट्रो स्टेशन से आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई होटल जहां पे मैं रुका हुआ था, वहां पे जाना था उसमें, तो एक दो स्टेशन के बाद मेरे दिमाग में आया कि चलो बड़े मंदिर में मत्था टेक लिया तो एम्पायर स्टेट भी मत्था टेक लेते हैं। तो बट मेरे को एम्पायर स्टेट का पता नहीं था मेट्रो स्टेशन, तो मैंने किसी से पूछ के किसी तरह मैं वहां पे उस मेट्रो स्टेशन पे जैसे ही उतरा तो मेट्रो स्टेशन के बाहर वहां पे रिक्शा वाले कुछ वेट कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि एम्पायर स्टेट जाना है, तो एक रिक्शा वाला बोलता है कि मेरे को नहीं पता कहाँ पे एम्पायर स्टेट है। तो दूसरे वाला एक आया लड़का यंग एज का, और वो मेरे को बोलते कि आपने स्ट्रेट जाना है, उसके बाद लेफ्ट जाना है, उसके बाद राइट जाना है, उसके बाद लेफ्ट जाना है। वो मेरे को ऐसे हाथ करके दिखा रहा था एज इफ एम्पायर स्टेट बहुत ज्यादा दूर है। तो मैंने बोला मैं क्या, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, आप चलेंगे तो मैं आपको पे करूंगा। कहते उन्होंने कुछ मेरे को सर्टेन अमाउंट बताया जो कि विच वॉज ऑन वेरी हायर साइड, वेरी नॉट वेरी हायर साइड, क्योंकि एम्पायर स्टेट जब मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो मेरे को तो लगा जितने भी मांग रहे कोई बात नहीं, मैंने कहा चलिए। तो वो मेरे को लेके विद इन 2 मिनट्स तो हम वहां से पहुंच ही गए थे, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को बिल्कुल नहीं रोका, मैं वहां गया तो मैंने उसको पूछा कि मतलब वापस भी आप चलेंगे, मैं 2-4 मिनट में मत्था टेक के, मेरे को पता था एंट्री तो मिलेगी नहीं, बस बाहर से मत्था टेक के, मैं क्या वेट कीजिए मैं आपके साथ चलूंगा। मैं क्या डोंट वरी, जितने मैंने आते हुए आपको पैसे दिए, मेरे को ये था कि कहीं ट्रेन वगैरह लेट ना जाए, मैं उतने ही आपको दूंगा, मतलब एक तरह से मैं उनको लालच दे रहा था कि रुके रहना। तो वहां पे मैं बड़े मंदिर के जब वहां गेट पे गया तो एक आंटी आई किचन में, जो आंटी थे जो किचन में काम कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मैं बाहर से आया हूँ, मेरे को पता है आजकल सब मंदिर बंद है, फिर भी मेरे को बाहर से ही मत्था टेकने दीजिए। तो उन्होंने बोला अंकल वहां पे भी गणेश भगवान थे, कहते यहीं से आप मत्था टेक लीजिए। मैंने मत्था टेका, उन्होंने मेरे को 2 जल प्रसाद और 2 मिठाई प्रसाद दिए। तो मेरे दिमाग में था कि जो बाहर वेट कर रहे हैं जो रिक्शा वाले मेरे को लेके आए हैं, तो एक उनको दूंगा और एक मैं लूंगा। संगत जी वॉन्ट बिलीव कि जैसे ही मैं बाहर आया, वो जस्ट मुश्किल से मेरे को पूरे 2 मिनट लगे होंगे कि वो रिक्शा वाले गायब। मैं थोड़ी देर आगे भी गया देखने के लिए गली में, मैं कि शायद वो आगे चले गए होंगे कि थोड़ा आगे वेट कर लेता हूँ कि कोई गाड़ी गुड़ी जा रही होगी यहाँ से कुछ, वो वहां पे भी नहीं थे। तो संगत जी आई बिलीव
वो गुरुजी ही आए थे मेरे को लेने के. आई नॉट ओनली बिलीव, आई एम वेरी मच श्योर गुरुजी लेने आए थे मेरे को. और गुरुजी ने ही मेरे को वहां पे भी मतलब जो फ्लावर दिया था आंटी के हाथ में, उनके हाथ प्रसाद दिया था, और यहाँ भी प्रसाद जो दिया था वो गुरुजी ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है. शुक्राना गुरुजी, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्राना अनिल अंकल, कितना प्यारा सत्संग है और कितनी गुरुजी की मेहर रही आपके ऊपर उस दिन, और जो आपने एक्सपीरियंस किया ये थॉट गुरुजी ही डालते हैं. तो जरूर गुरुजी आए हैं, वो किसी भी रूप में आते हैं. आपकी श्रद्धा थी, आपका भाव था, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे के गए. शुक्राना अंकल जी. सुरेश अंकल जी, इफ देयर इज एनी अदर संगत, अगर कोई और संगत अपना सत्संग गुरुजी के साथ या गुरुजी की वडियाई करना चाहते हैं तो. मैं तृप्ता, जय गुरुजी, मैं तृप्ता कपूर आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, 5 मिनट बोलेंगे. ओवर टू यू तृप्ता कपूर आंटी. आई थिंक अंकल रुचिका आंटी हैं, शी हैज रेज्ड हर हैंड. ओके रुचिका आंटी, जय गुरुजी. रुचिका आंटी प्लीज गो अहेड. जय गुरुजी सारी संगत को. मैं पहली बारी कोई सत्संग शेयर कर रही हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़ा मेरी आवाज शायद इधर उधर हो जाए तो उसका उसके लिए माफी. अभी आंटी जो कह रहे थे कि गुरुजी को सब पता होता है, इससे रिलेटेड एक सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ. बहुत पहले की बात है, मतलब आई गेस 8-10 साल तो हो ही गए इस बात को. तब हम काफी टाइम से आते थे गुरुजी के पास, और गुरुजी ने बहुत मौका दिया कि संगत से हम सत्संग सुने. बहुत सुंदर सुंदर, मतलब बहुत ब्लेस संगत से, बहुत इतने अमेजिंग अमेजिंग सत्संग सुनते थे और काफी टाइम से आ भी रहे थे. तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी आप इन सब को इतने टाइम से जानते हो और इन सब के इतने करीब हो, तो पता नहीं कि आप मुझे जानते भी हो कि नहीं, आप मुझे देखते भी हो कि नहीं. काफी टाइम हम मंदिर जाते थे पर मेरे को अपने आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था. तो मुझे लगता था कि पता नहीं गुरुजी आप मुझे, शायद पता नहीं मुझे देखते भी हो कि नहीं, ऐसा कुछ है. तो सॉरी एक सेकंड, मैं थोड़ा पानी पी लूं. तो एक बारी मैं, हम फरीदाबाद में रहते हैं, मैं एक बारी ड्राइव बैक कर रही थी ऑफिस से, तो 8:30 का टाइम था ये, मतलब जैसे 8-10 पहले साल पहले की बात है. तो जो रोड मेरे घर को जाती है वो बहुत उस टाइम पे बिल्कुल शूटिंग रेंज, शायद आप लोगों ने सुना हो, तो उस टाइम बिल्कुल फॉरेस्ट फॉरेस्ट जैसा था. वहाँ बहुत कम गाड़ियाँ होती थी उस टाइम पे, तो मुश्किल से इक्का दुक्का गाड़ी कोई होती थी. एंड मैं आ रही थी वापस, एंड उस दिन किसी बात को लेके मैं वैसे ही बहुत उदास थी और यही सब सोचते हुए आ रही थी कि गुरुजी आप मेरे को नहीं देखते और ये सब ऐसे ऐसे. एंड यही सब सोचते सोचते मैं थोड़ा रो भी रही थी, और ये ऐसे करते करते मैं घर पहुंच गई. और हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, और जैसे ही मैं अपार्टमेंट के गेट पे पहुंची तो मेरी गाड़ी बंद हो गई. तो मैं गेट पे पहुंच के गाड़ी बार बार स्टार्ट कर रही हूँ और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है. और फाइनली मैंने देखा कि गाड़ी में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं था, बिल्कुल मतलब जीरो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो हम लोग स्टार्ट करती रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई. फाइनली धक्का लगा के हम लोगों ने, गार्ड को मैंने बुलाया, उसके साथ हमने गाड़ी अंदर करी. एंड उस दिन मतलब गुरुजी ने मुझे बता दिया कि जब तुम्हें नहीं भी पता जिन प्रॉब्लम्स का, वो भी तब भी मैं तुम्हें देख रहा हूँ. तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था फिर भी मैंने तुम्हें सेफ एंड साउंड, उन्होंने इनका बहुत शुक्राना उनका, मुझे उन्होंने ठीक से घर भी पहुंचा दिया. और उस दिन मेरी इस बात का जवाब उन्होंने अच्छे से दे दिया कि जिन प्रॉब्लम्स का तुम्हें नहीं भी पता, मैं उनके थ्रू भी तुम्हें देख रहा हूँ. हर चीज मुझे पता है, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ. तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए. एंड अगले दिन हम लोगों ने जब पेट्रोल डलवाया तो गाड़ी में कम से कम 5 लीटर पेट्रोल डाला इससे पहले कि वो इवन स्टार्ट हो पाती. सो थैंक यू, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट. थैंक यू. बहुत बहुत प्यारा सत्संग है आंटी. देखो कैसे गुरुजी अपने आप का फेथ बढ़ाते हैं और बता देते हैं कि मैं
तुम्हारे साथ ही हूँ. वी डोंट नीड आईज टू सी हिम, यू हैव टू फील इट फ्रॉम योर हार्ट.